हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन एपिसोड 32 के साथ आप सभी का स्वागत है। हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि फाल्कन डार्कनेस पावर का यूज करते हुए क्याना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता। क्याना डार्कनेस पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मन में कहती है कि जब हम दोनों लड़ाई कर रहे थे तो उसने मेरी सारी शक्तियों को छीन लिया था, ये कैसे हो सकता है। मैं इस हमले को चखवा नहीं दे सकती, मुझे अपनी पूछ का तैयार करना होगा। फाल्कन जैसे क्याना पर हमला करने वाला होता है, वहाँ पर सही समय पर डेमन लॉर्ड आ जाता। डेमन लॉर्ड फाल्कन के डार्कनेस पावर को उसी की तरफ भेज देता, लेकिन फाल्कन उसे डोज कर लेता है। डार्कनेस पावर जैसे ही जमीन में टकराती है, सभी टीचर उस धमाके के कारण काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या डेमन लॉर्ड यहाँ पर आ गया। यूनिवर्स भी इस धमाके के कारण काफी ज्यादा सहम जाती है। डेमन लॉर्ड एक खुद की एक बड़ी डार्कनेस पावर को बना रहा होता, जिसके कारण पूरा माहौल वहाँ पर खराब हो जाता है। फाल्कन उस डार्कनेस पावर को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है। क्याना डेमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि डेमन लॉर्ड किसी को भी बचाने के लिए कभी भी प्रकट नहीं होते, लेकिन उन्होंने मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुझे लगता है कि मैं उनके लिए काफी ज्यादा खास हूँ। डेमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में फाल्कन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसने क्याना की कल्टीवेटर को कुछ ही समय में पार कर दिया, मैं इसे जीने नहीं दे सकता। फाल्कन डार्कनेस पावर को देखते हुए काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि यह पावर कितनी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि डेमन लॉर्ड की डार्कनेस पावर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। फाल्कन जैसे ही डार्कनेस पावर के कुछ ही इंच की दूरी पर आता है, उसका शरीर वहीं पर गायब होने लगता है। फाल्कन चलाते हुए कहता है कि मैं कसम खाता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा तो तुमसे जरूर मिलूंगा। फाल्कन ये सभी बातें कहने के बाद फाल्कन का शरीर वहां से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि धुएं में से फाल्कन पूरी तरह से गायब हो जाता है। डेमन लॉर्ड क्याना उसी की तरफ देख रहे होते हैं। क्याना काफी ज्यादा शर्माते हुए डेमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरी डेमन लॉर्ड की शक्ति काफी ज्यादा पावरफुल है, उनकी शक्ति का कोई भी सामना नहीं कर सकता। क्याना ये सभी बातों को सोच रही थी। क्याना काफी ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि डेमन लॉर्ड डार्कनेस पावर का यूज करते हुए दोबारा हमला करना शुरू कर देता है। क्याना डेमन लॉर्ड से कहती है कि माय लॉर्ड, आपकी शक्ति पर मुझे काफी ज्यादा भरोसा है, आपको यह तकनीक का दोबारा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डेमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए क्याना से कहता है कि मेरी क्याना, हम एक खलनायक है, इसलिए हमें कभी भी घिसी पिटी बातों का धारणा नहीं रखनी चाहिए। डेमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद क्याना काफी ज्यादा शर्माने लगती है। डेमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद डेमन लॉर्ड काफी ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए डार्कनेस पावर का यूज करते हुए जहाँ पर फाल्कन खड़ा था वहाँ पर हमला करते हुए कहता है कि कहानी के अनुसार हमारा दुश्मन फाल्कन अभी तक नहीं सकता, मुझे लगता है कि फाल्कन अभी तक जिंदा है। डेमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद फाल्कन जहाँ पर खड़ा था, डेमन लॉर्ड वहीं पर डार्कनेस पावर को फायर कर देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर काफी ज्यादा धमाका होता है। क्याना धमाके में से देखते हुए डेमन लॉर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि फाल्कन मर चुका है, चलिए डेमन लॉर्ड हम यहाँ से चलते हैं। डेमन लॉर्ड कहता है कि ठीक है। डेमन लॉर्ड वहां से जैसे जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जमीन में हलचल होना शुरू हो जाता है। जमीन को फाड़ते हुए वहां से एक हाथ निकलता है। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन जमीन में से निकलते हुए हंसने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि फाल्कन को बचाने वाला और कोई नहीं, फाल्कन के बगल में एक ब्लैक कलर की ओरा होती है। वो ओरा कहता है कि क्या तुम मुझ पर अब विश्वास करते हो। फाल्कन मुस्कुराते हुए उस ओरा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम वास्तव में वेई वुआंग डेमन लॉर्ड हो। डेमन लॉर्ड की आत्मा कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि उसने मेरे शरीर को कैसे हड़प लिया। ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे किसी कमजोर व्यक्ति के साथ काम करने की कोई भी दिलचस्पी नहीं है, जिसका खुद का शरीर छीन गया हो। फाल्कन की सभी बातें सुनने के बाद डेमन लॉर्ड की आत्मा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए वहां से एक जंजीर निकालते हुए फाल्कन के शरीर में धसाते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। डेमन लॉर्ड के हमले के कारण फाल्कन काफी ज्यादा दर्द में होता है। डेमन लॉर्ड की आत्मा कहते हैं कि तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, अगर तुम मेरा साथ देते हो तो तुम्हें काफी ज्यादा लाभ होगा। उदाहरण के लिए, अगर मेरा शरीर मिल जाता है तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो। छह नरकों की आग से अपनी आत्मा को जलाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आता, और मैं तुम्हारे शरीर को कब का ही छीन लेता। ये सभी बातें सुनने के बाद फाल्कन काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं तुम्हें कभी भी मना नहीं करता, हमारा अगला कदम क्या है। डेमन लॉर्ड की आत्मा अपने मन में कहते हैं कि वो मेरी आसानी से मदद कर रहा है। वो अपने शरीर से छीने जाने वाली आत्मा के असीम दर्द के कारण भी मुस्कुरा रहा है। उसकी मानसिक शक्ति काफी ज्यादा इंसानों से अलग है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे सुनिश्चित करना होगा कि अगर मुझे वह आगे जाकर धोखा देता है तो मुझे उसे कुचलना होगा। डेमन लॉर्ड की आत्मा ऐसा भी बातें सोचने के बाद डेमन लॉर्ड की आत्मा फाल्कन से कहता है कि कोई भी जल्दी नहीं है, उससे पहले तुमने मेरे प्रस्ताव का अस्वीकार किया था, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगा। डेमन लॉर्ड की आत्मा जंजीर को जकड़ना शुरू कर देते, जिसके कारण फाल्कन काफी दर्द में चिल्लाना शुरू कर देता है। फाल्कन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, बेई वुआंग। हमें पहाड़ के ऊपर रोमा का सीन दिखाया जाता है। रोमा जैसे पीछे पलट कर देखती है, लियानो रोमा की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अपने छोटे प्रेमी के बारे में चिंता कर रही हो ना। लियानो अपने देवी भाले से रोमा पर हमला कर देता है, जिसके कारण रोमा के पेट में से खून निकलना शुरू हो जाता है। लियानो कहता है कि तुम अपने प्रेमी के पास जल्दी ही जाओगी।
लियानो के उस हमले के कारण रोमा काफी ज्यादा दर्द में होती है। रोमा अपने पावर को रिलीज करते हुए आइस मैजी को पूरी तरह से फैला देती है, जिसके कारण लियानो आइस मैजी से बचते हुए रोमा से काफी दूर चला जाता है। लियानो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसने हवा में पानी का हेर फेर कर दिया है, मुझे उसे कोई भी मौका नहीं देना होगा, मुझे उसे जल्दी ही मारना होगा। लियानो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। लियानो अपने देवी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही हमले के बारे में पता था। लियानो काफी ज्यादा गुस्से में पीछे पलटते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे पीछे से हमला करोगे तो मैं इसे बच नहीं पाऊंगा। लियानो ये सभी बातों को कह ही रहा होता है। लियानो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि रोमा अपनी आइस मैजिक से लियानो पर हमला कर देती है। लियानो आइस मैजिक को डोच नहीं कर पाता, जिसके कारण आइस मैजिक लियानो के शरीर पर जाकर लग जाती है। लियानो वहीं पर जमीन पर धराम देना गिर जाता है। रोमा लियानो की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं फोर्ट जियोंग की दूसरा युवा मास्टर हूं। रोमा वहां से जाते हुए कहती है कि कुछ भी खास नहीं है। रोमा वहां से जाने वाली होती है, लेकिन लियानो का देवी हथियार काफी रफ्तार में रोमा की तरफ बढ़ रहा होता है। रोमा उस देवी हथियार को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोमा जैसे ही पीछे पलटती है, लियानो का देवी हथियार रोमा के हाथ पे लग जाता है, जिसके कारण रोमा के हाथ में से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। लियानो हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम इतना ज्यादा क्यों चौंक गई हो, क्योंकि तुम इतना ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन रोमा अपने मन में कहती है कि मेरी आइस मैजिक उसके शरीर पर नहीं लगे हैं क्या। लियानो अपने कवच को दिखाते हुए कहता है कि पैसा ही दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है, इस कवच का नाम है अमोनो आध्यात्मिक चांदी कवच। यह कवच तीसरे दर्जे के कल्टीवेटर के हमले को भी रोक सकता है, इसकी मार्केट प्राइस है 30,000 सोने के सिक्के। लियानो अपने देवी हथियार का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम्हारी छोटी सी ट्रिक मुझ पर दोबारा काम नहीं कर पाई, और यह मेरे देवी हथियार मेरी ऊर्जा से पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसलिए यह मेरे दुश्मन के खून को अवशोषित करके उसे ट्रैक कर सकते हैं। ये सही बातें कहने के बाद लियानो क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि इसलिए मैंने तुम्हारे हमले को अपने पर हावी होने दिया, मैं केवल तुम्हारा खून चाहता था, क्योंकि मेरी देवी हथियार तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। लियानो ये सभी बातें कहने के बाद लियानो अपने देवी हथियार को हमला करने के लिए आगे भेज देते हैं। लियानो के देवी हथियार को देखकर रोमा काफी ज्यादा चौंक जाती है। रोमा कुछ सोच ही पाती है, लेकिन उससे पहले लियानो का देवी हथियार रोमा पर काफी ज्यादा लग जाता है, जिसके कारण रोमा वहां पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लियानो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें लड़ाई का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। लियानो के हमले के कारण रोमा के लॉकेट के आसपास बर्फ जमना शुरू हो जाती है। रोमा अपने लॉकेट को देखते हुए कहती है कि डीमन नेकलेस का जादू शुरू हो गया है, अगर मैं इस मैच को जल्दी ही समाप्त नहीं करती तो जयू को चोट लगने वाली है। सभी बातें सोचने के बाद रोमा काफी ज्यादा गुस्से में लियानो की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं कभी भी जयू को चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। रोमा अपने आइस मैजिक से लियानो के देवी हथियार को दूर कर देती है। लियानो ये सभी चीजों को देखते हुए कहता है कि क्या यह पागल हो चुकी है। रोमा आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए काफी रफ्तार में लियानो की तरफ बढ़ते हुए लियानो पर आइस मैजिक का हमला कर देती है। रोमा का आइस मैजिक का हमला लियानो के काफी नजदीक आ जाता है। लियानो रोमा के आइस मैजिक को देखकर हंसने लगता है। हमें दिखला जाता है कि वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। आइस मैजिक लियानो को भी लगने के बाद रोमा लियानो की तरफ देख रही होती है। हमें दिखला जाता है कि धुएं में से एक चमकती हुई चीज फिर रफ्तार में निकलते हुए रोमा के पेट के अंदर लग जाती है। वह एक भाला होता है। रोमा उस भाले को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाती है। उस भाले से हमला करने वाला और कोई नहीं, लियानो होता है। लियानो हंसते हुए कहता है तुम्हारा काम तमाम होता है। रोमा काफी ज्यादा दर्द में भाले को पकड़ते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। लियानो हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपने छोटे प्रेमी के बारे में चिंता कर रही हो, ठीक है मैं तुम्हें जल्दी ही उस प्रेमी से तुम्हें मिलाता हूँ। लियानो ये सभी बातें कहने के बाद लियानो अपने भाले को रोमा के अंदर काफी ज्यादा धसा देता है। रोमा काफी ज्यादा दर्द में कहती है कि तुम हमारे बारे में चिंता क्यों कर रहे हो, तुम अपने बारे में चिंता करो। ये सभी बातें कहने के बाद रोमा वहीं पर हंसने लगती है। रोमा अपनी आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लियानो का हाथ जमा रही होती है। लियानो ये सब चीज को देखने के बाद लियानो काफी ज्यादा दूर हट जाता है रोमा से। लियानो चौंकते हुए अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा खून जम रहा है। लियानो के सभी बातें सुनने के बाद रोमा लियानो के भालों को निकालते हुए हंसते हुए कहती है कि तुमने सही कहा, क्योंकि मेरे पास नियमित सीमा के भीतर मैं किसी भी पानी को जमा सकती हूँ। मेरा दूसर मेरा जितना नजदीक होता है उतना मेरा आइस मैजिक पावरफुल होता है। जिस दूरी पर तुम मेरे सामने खड़े थे उतनी दूरी पर तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से के पानी को जमा सकती हूँ। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद लियानो वहीं पे बैठ जाता है। लियानो का शरीर जमना शुरू हो जाता है। रोमा हंसते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे शरीर के मूत्र को जमा सकती हूँ, अब तुम हार मान लो, तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि लियानो होली वेपर मैजिकल पत्थर का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर के आइस को पिघलाना शुरू कर देता है। लियानो हंसते हुए कहता है कि रोमा तुम्हें ही हार माननी चाहिए, क्योंकि तुम एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रही हो जो तुमसे ज्यादा ताकतवर, तुम्हारे घाव को देखते हुए मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। लियानो ये सभी बातें कहने के बाद लियानो अपने आसपास का टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसके कारण रोमा अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। रोमा अपने हाथ को देकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखला जाता है कि लियानो अपने भालों को उठाते हुए रोमा पर हमला करते हुए कहता है कि चलो तुम मरो। लियानो का हमला करता हुआ देखकर रोमा काफी ज्यादा चौंक जाती है। हमें दिखला जाता है कि लियानो जैसे ही रोमा पर हमला करता है, लेकिन वहां पर सही समय पर डेमन लॉर्ड आते हुए रोमा को बचा लेता है। डेमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्से में पीछे पलटते हुए कहते हैं कि वह कौन है, क्या वह लियानो है।
डीमल और रोमा को नीचे रखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि तुमने इसे हाथ कैसे लगाया। इससे वे डीमल और से कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? तुम एक छोटे से कल्टीवेटर हो, तुम्हारे पास कोई भी मौका नहीं है मुझे हराने का, क्योंकि मेरे पास होली वेपन जादुई पत्थर है। न की सही बातें सुनने के बाद डीमल और जादुई पत्थर को दिखलाते हुए कहते हैं कि क्या तुम उस कंकड़ को दिखला रहे हो जबकि मेरे पास स्वर्गीय पत्थर है। चलो देखते हैं कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। डीमल और की सही बातें सुनने के बाद लियानो काफी ज्यादा चौंक जाता है। डीमल और जैसे ही स्वर्गीय पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, हमें दिखला जाता है कि लियानो वहीं पर धनाम देना जमीन पर गिर जाता है। लियानो वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लियानो अपने होली वेपन मैजिकल पत्थर को देखते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़के ने जो पत्थर पकड़ा है जिसके कारण मेरा होली वेपन नष्ट हो गया। उस लड़के के पास वो पत्थर कहाँ से आया, उस लड़के ने उस पत्थर को कहाँ से खरीदा है। हमें दिखला जाता है कि डीमल और कहता है कि तुम्हारे पास दो मौका है, चाहे तो तुम हार मान लो या तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डीमल और की सही बातें सुनने के बाद लियानो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम सही में मजाक कर रहे हो ना। डीमल और कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम मरने के लिए तैयार हो चुके हो। डीमल और की सही बातें सुनने के बाद लियानो काफी ज्यादा घबराते हुए घुटने पर बैठते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ, मेरे पास खर्च करने के लिए बहुत सारा पैसा है, मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहता। सभी बातें कहने के बाद लियानो अपना सिर झुका लेता है। लियानो को सिर झुकाता हुआ देखकर डीमल और अपने मन में कहता है कि मुझे लगा कि लियानो मुझसे फाइट करेगा, लेकिन इसके हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि यह मुझसे काफी ज्यादा डर गया है। कहा जाता है कि पेड़ के ऊपर से मास्टर यह सभी चीजों की निगरानी रख रहे होते हैं। मास्टर लियानो का हार मानता हुआ देखकर मास्टर लियानो का नाम काट देते हैं। डीमल और रोमा को उठाते हुए कहता है कि रोमा चलो यहाँ से चलते हैं यूनबो और जियांगो के पास। रोमा कहती है कि ठीक है। डीमल और चौंकते हुए कहता है कि फाल्कन की वजह से कहानी पूरी तरह से बदल गया है, मुझे जल्दी से जल्दी यूनबो और जियांगो के पास जाना होगा। कि कहानी के बदलने के कारण मुझे भी नहीं पता कि उन दोनों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।